सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारे दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। अज दी वीडियो दे विच आपां गुड़ वाले मिठे चौल बना के तैयार करांगे। चौल बहुत वधिया बन के तैयार होंगे। देखो कोई भी आपां चौल बनाने आ, चौल बनाने लई जिहड़ा नाप आ ओह सही होना चाहिए, तां चौल बहुत वधिया बनदे आ। गुड़ वाले चौल जे आपां एक गिलास लैंदे आ ते सानूं ढाई गिलास उहदे विच पानी पाउणा पैंदा आ, क्योंकि गुड़ वाले चौल जिहड़े आ थोड़े जे नरम होण फिर खाण दे विच ज़्यादा स्वाद लगदे आ। जे असीं लूण वाले चौल बनाईए तां एक गिलास चौलां दे विच दो गिलास पानी दे पा के चौल आपां बना लैंदे आ। चौलां नूं बनाउण लई जिहड़ा समान लिया आ, समान आपां एक वारी देख लैंदे आ। एक कौली चौल लए आ, चौल जिहड़े आ मैं इस कौली दे नाल नापे आ। चौलां नूं चंगी तरह धो के उस तों बाद 15 तों 20 मिनट तक इन्हां नूं असीं भिओ के रख्या सी। भिओण दे नाल चौल नरम हो जांदे आ ते छेती पक जांदे आ। पौणी कौली गुड़ दी लई आ, गुड़ जिहड़ा मैं तोड़ के लिया आ। तुसीं बराबर दी मात्रा दे विच लैणा चाहो तां बराबर दी मात्रा च वी लै सकदे हो, पर पौणी कौली गुड़ जिहड़ा आ बिलकुल मिठा सही आ। 3 चमचे देसी घिओ दे आ, 1 चमचा सौंफ आ, 6-7 लौंग लए ते 4 हरियां इलायचियां लईआं आ। इलायचियां लौंग ते सौंफ पाण दे नाल गुड़ वाले चौलां दा स्वाद होर भी ज़्यादा वध जांदा आ। थोड़े जे बादाम लए आ, खोपा लिया इहनूं पतला पतला कट्टिआ आ, 2 चमचे सौगी आ ते 8-10 काजू लए आ। ड्राई फ्रूट्स जिहड़े आ देखो तुसीं अपने पसंद दे हिसाब नाल जिहड़े पाणे चाहो पा सकदे हो, जां तुसीं इस तों बिना भी बना सकदे हो। कल्ली सौगी, खोपा ते सौंफ पा के तां वी चौलां दा स्वाद बहुत वधिया होगा। चौल जिहड़े आ मैं कढ़ाई दे विच बनाउण लगी आ, तुसीं कुकर दे विच बनाउणा चाहो तां कुकर दे विच वी बना सकदे हो। कढ़ाई दे विच देसी घिओ पा दांगे। घिओ हो गया गरम, इहदे विच असीं सौंफ, हरी इलायची ते लौंग पा देणे आ। थोड़ा जिहा ही आपां सौंफ नूं भुनणा है 15-20 सैकेंड लई, ज़्यादा नहीं भुनणा। काजू पा देंगे, बादाम, खोपा 1 मिनट वास्ते भुन लाँगे इन्हां नूं। एक मिनट तक आपां इहनां नूं भुन लिया, हुण सोगी पा देणी आ। सोगी नूं असीं उदों तक भुनणा आ जदों तक सोगी चंगी तरह फुल नहीं जांदी। सोगी फुल गई, हुण आपां इहदे विच पाणी पावांगे। एक कौली चौल ते ढाई कौलियां आपां पाणी दीआं पा देणियां। गुड़ पा दांगे। हुण गुड़ नूं असीं चंगी तरह पहलां पिघलण देवांगे। जदों गुड़ पिघल जूगा फिर चौल पाउणे आ। पाणी लग गया उबलण, चौल पा दांगे। मिला देंगे एक बारी, मिला के मठी मठी अग के उपर असी चौलों नूं पकन देना है। उपरों दी आपां इहनूं ढकता, हुण इहनूं मठी मठी अग के उत्ते असी बणन देना है। सेक जिहड़ा है ज़्यादा तेज नहीं रखना, जे तुसीं गैस ते भी बनाउंदे हो तां वी घट सेक रखना है। ते जे तुसीं कुकर दे विच चौल बनाउंदे हो तां कुकर दे विच तुसीं 2 सीटियां लवा देणियां आ। 2 सीटियां लवाउण तों बाद 15-20 मिनट तक कुकर नूं पए रहिण देणा। फिर 15-20 मिनट बाद तुसीं ढक्कण खोल के चैक करोगे तां चौल एकदम नरम ते पूरी तरह बने होउगे। ते हुण इहदे 10-15 मिनट लई इहनूं आपां इहदे सिकण देवांगे मठी मठी अग ते, फिर मैं तुहानूं दिखाउंदी हां।
चौल बन के तैयार आ। जिन्ना भी पानी चौलों के पाया सी सारा पानी जिहड़ा आ सुक गया, तो 15 मिनट लगे आ चौलों बनने लई। तो हुण देखो गै जिहड़ी अग आ ये आपां बंद करती है, गोटियां दा जिहड़ा सेक आ उह सेक दे उत्ते असीं कढ़ाई नूं पए रहिण देणा आ। 15-20 मिनट असीं इहनूं इदां ही पए रहिण दांगे, उस तों बाद चौलों नूं आपां सर्व करना आ। चौल तैयार आ बन के। एक बार पहला हला लाँगे चंगी तरह, चौल बहुत वधिया बन के तैयार हुए आ, एकदम नरम चौल बने आ। गुड़ा ने चौल बन के तैयार आ, चौल बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार हुए आ। चौल एकदम नरम बने आ, ते खान दे विच इन्हां दा स्वाद बहुत ज़्यादा वधिया आ। जदों तुसी चौलां नूं बना लेना, जदों पूरी तरह पानी सुक जावे उस तों बाद 15-20 मिनट चौलां नूं पए रहिण देना आ, फिर उन्हां नूं सर्व करना आ। क्योंकि जदों आपां चौलां नूं 15-20 मिनट लई छड्डांगे तां फिर उन्हां ने होर नरम हो जाणा आ। इन्हां नूं तुसी इसे तरीके दे नाल बना के खाओ। वीडियो नूं प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली बारी आके वीडियो देखते पे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद।